अधिकारी की मिली भगत से ठेकेदार को लाभ देने के उद्देश्य से निकाले मेंटेनेंस के ऑफलाइन टेंडर निर्माण कार्यों में अब होगी जमकर धांधली। लाखों रुपए के निर्माण कार्य की जनजाति कार्य विभाग ने ऑफलाइन निविदा की जारी, चुपचाप काम होने की आशंका। आदिवासी कल्याण के उद्देश्य के लिए वनांचल क्षेत्रों में छात्रावास निर्माण और मरम्मतीकरण के लिए जिला कार्यालय द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार के विकल्पों को तलाशा जा रहा है, इसकी एक बानगी श्योपुर आदिम जाति कल्याण विभाग में देखने को मिली है, जहां लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति ऑफलाइन जारी करते हुए भ्रष्टाचार करने का नायाब तरीका निकाला गया है, जिसमें पसंदीदा ठेकेदारों से काम कराकर लाखों रुपये की अनियमितताएं होने की पूरी आशंकाएं बनी हुई हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू सोनी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 17 अक्टूबर को निर्माण कार्यों की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें श्योपुर बड़ौदा में ब्लॉक छात्रावास सहित पहला गिरधरपुर और खिरखिरी में भवन निर्माण हेतु लाखों रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जो पूरी तरह से ऑफलाइन है, जबकि शासन के नियमानुसार 1 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों को ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से जारी किया जाना है। विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया में दोषपूर्ण बनाते हुए भ्रष्टाचार करने का षड्यंत्र रचा गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष मोनू सोनी, जिला महामंत्री सौरभ भार्गव, संजय मंगल, रोहित बंसल, भावेश उपाध्याय आदि ने जिला प्रशासन और सीएम शिवराज सिंह चौहान को उक्त मामले की शिकायत करते हुए ऑफलाइन टेंडरों को निरस्त कर ऑनलाइन टेंडर जारी करने की मांग की है। श्योपुर संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। इलाके में पहुंचे हो आप, किस तरह की शिकायत है? 17 तारीख को विज्ञप्ति एक निकली थी कि आदिम जाति कल्याण विभाग में मेंटेनेंस के कुछ काम निकले थे, उसको लेकर हम लोगों ने जब यहाँ पर आकर उनसे जानकारी मांगी कि आप लोगों ने जब आदिम जाति कल्याण विभाग के 13-13 लाख रुपए के काम जब निकाले तो वो ऑनलाइन काम क्यों नहीं निकले। लोगों ने जब इसकी जानकारी यहाँ पर सहायक आयुक्त पिपरैया जी से मांगी तो उन्होंने इसकी जानकारी देने से हमें मना कर दिया और उन लोगों ने बताया कि ये जानकारी मतलब ये ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं किया गया, इसकी जानकारी देने से वो मना कर रहे हैं। तो कितनी तारीख थी इसमें लास्ट और कब ये विज्ञप्ति निकली थी? 17 तारीख की विज्ञप्ति।